हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। इसके पहले मैंने परशुराम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से कुछ अंश को दिए थे पद्यांश को। आज मैं कुछ पद्यांश को आपके सामने जो है दे रहा हूँ। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीषु महाभट मानी। यहाँ पर देखिए परशुराम के क्रोध पर जो है लक्ष्मण जी को थोड़ा सा हंसी आती है। हंसमुख मुद्रा में उनसे कहते हैं कि हे परशुराम जी, आप अपने को महान योद्धा मानते हैं, अपने को महान वीर मानते हैं। पुनि पुनि मोही दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि देव, आप बार बार मुझे अपना कुल्हाड़ी दिखाते हैं और आप चाहते हैं कि आप आपके फूकने से पहाड़ नहीं उड़ जाएगा। यहाँ को मणबतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मर जाही। यहाँ पर परशुराम जी से लक्ष्मण जी कहते हैं, ये देव, यहाँ पर कोई काशी का फल नहीं है जो तर्जनी अंगुली को दिखाने से कुमला जाएगा। जो कहने का अर्थ है यहाँ कि यहाँ पर आपसे कोई कमज़ोर नहीं है जो आपकी अंगुली के दिखाने से आपसे पीछे हट जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमानम। तो आप यहाँ पर कुल्हाड़ी को धारण करते हैं, तो यहाँ पर हमने बाल को धारण किया है, फिर भी मैंने गर्व से अभिमान से जो आपसे कहा है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। भृगुसूत समुझी जनऊ बिलो की, जऊ कछु कहूँ सहो ऋषिरो की। कहते हे देव, एक भृगुवंशी मैंने सोच समझ करके जो आपसे कहा है, मैंने अपने क्रोध को रोक करके कहा है। सुर महिषुर हरि जन रुगाई, हमारे कुल इन पर न सुहाई। का देवता और जो है देवता लोग तो जो आप वर्णन कर रहे हैं, जो आपको अपनी बेटा का वर्णन कर रहे हैं, ये हमारे कुल पर शोभा नहीं देता है। आप अपने जो वीरता का वखान करते हैं, वर्णन करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। तो आगे देखिए परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण से, तो बधयापु अप कीरति हारे, मारत हूँ पापर ये तुम्हारे। कोटि कुलिस समय बचन तुम्हारा, व्यर्थ धर्म धनु बान कुठारा। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं लक्ष्मण को कि आपको मारने से मुझे अपयश ही मिलेगा, तुम्हारा जो वाणी है एक वाणी जो है हमारे लिए वज्र के समान है। तो फिर धनुष बाण आप व्यर्थ में धारण करते हैं। तो आगे देखिए, जो मिलो कि अनुचित कहूँ, क्षमो महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गभीर।
तो यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं कि माँ मुनि, इन सबको देख कर के मैंने जो आपसे कहा है, जो अनुचित कहा है, आप दया धारण करके मुझको माफ़ कीजिए, क्षमा कीजिए। तो आगे देखिए लक्ष्मण जी से परशुराम जी जो क्रोध के साथ गंभीर वाणी में बोलते हैं, यहाँ पर देखिए कुछ काव्य सौंदर्य दिए गए हैं। ऊपर के कुछ पंक्तियों में उपमा अलंकार की छटा दिखाई दे रही है और पद्यांश में पुनरुक्त अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। अनुप्रास की सुंदर छटा दर्शनीय है। चौपाई एवं दोहा दोनों का जो है मिश्रण है। आगे देखिए लक्ष्मण की जो है वाणी को सुनकर के परशुराम जी क्या कहते हैं। अगला पद्यांश देखिए, कौशिक सुनु मंद यह बालकु, कुल से कुटिले काल बस निज कुल घालकु, भानु वंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अभुदय शंकु। यहाँ पर परशुराम जी कहते हैं विश्वामित्र से, कहे विश्वामित्र जी सुनिए, यह बालक बड़ा कुबुद्धि का है, बहुत टेढ़ा है, यह अपने काल की बस में है, यह अपने कुल का जो है घातक बना हुआ है। भानु वंश राकेश कलंकु, यह सूर्य वंश का चंद्रमा का कलंक है। निपट निरंकुश अभुद शंकु, यह बालक बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और भय से रहित है। काल कवल हुई ही छन माही, कहो बुकारी खोली मोहि नाही। हे विश्वामित्र जी सुनिए, अभी यह बालक क्षण मात्र में ही काल कवलित हो जाएगा। तुम हट कहूँ जो चाहूँ बारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। ये मुनि, अगर आप चाहते हैं तो हमें जो है यह अपयश से बचा सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि आप बाद में मेरा दोष नहीं दीजिएगा। और यह बालक यदि मारा जाता है तो आप मेरा कोई दोष मत देना। और यदि आप चाहते हैं तो इन्हें बचा सकते हैं। आप मेरे जो है बल को, मेरे क्रोध को भली बात जानते हैं और ये इनसे परिचय दे दीजिए। लखन कहे मुनि सुजस तुम्हारा, तुम अछत को बर नहीं पारा। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, यह मुनि आपके जो है यश का वर्णन आपके अलावा और कौन कर सकता है कि आप अपने मुँह से अपना जो है अपने बेटा का बखान करते हैं। अपने मुँह तुम अपमान करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। हे मुनि,
बार बार आप अपने मुंह से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, अपने मुँह मियाँ बिट्ठू बन रहे हैं। न संतोष तुपुन कछु कहूँ, जन ऋषिरो को दुषा दुख सहूँ। यदि आपको इतने पर भी कितना कहने पर भी संतोष नहीं होता है, तो जो दोबारा भी आप कुछ कहना चाहते हैं कर डालिए। भेर व्रती तुम धीर अछोभा, गारे देत न पावूं शोभा। हे मुनि, आप बेटा के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और शांत स्वभाव के हैं, इसलिए जो आप गाली दे रहे हैं यह आपके मुख से जो है स्वाभावन नहीं हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। तो जो शूरवीर होते हैं युद्ध मैदान में क्या करते हैं, आगे लक्ष्मण जी कहते हैं, शूर समर करनी करहीं, कहीं जना वह आप विद्यमान रन पाए रिपु, कायर कथई प्रताप। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम जी से कहते हैं, हे मुनि, जो शूरवीर होते हैं पुराण क्षेत्र में ये दोभों में अपना परिचय नहीं देते हैं, अपने कार्यों का बखान नहीं करते हैं, वो युद्ध भूमि में अपने शत्रु से लड़ते हैं और अपनी बड़ाई, अपनी कायरता, अपने डिंग को नहीं हाँकते हैं। यहाँ देखिए कुछ काव्य सुंदर दिए गए हैं, भानुवंश राकेश कलंक में देखिए रूपक अलंकार दिया है और इसका लक्षण है रूपक का, जहाँ उपमेय में उपमान का भेद आरोप होता है वहाँ रूपक होता है। और कुछ यहाँ पर मुहावरों का सुंदर प्रयोग किया गया है, वीर एवं रौद्रस का सुंदर प्रयोग है, दोहा और चौपाई छंद का तुलसीदास जी ने सफलतापूर्वक प्रयोग किया है। तो आगे के कुछ अंश आपको नेक्स्ट टाइम अगली बार दिया जाएगा। धन्यवाद।